Welcome to Global Facts and Info. नमस्कार दोस्तों, वैश्विक तथ्यों और जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मानव के लिए काजू खाने के फायदे, ड्राई फ्रूट का राजा काजू। दोस्तों, हम ये वीडियोस आपको सबसे अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत मेहनत से बना रहे हैं, इसलिए कृपया इन सभी वीडियोस को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे काजू की खेती। काजू की खेती को सर्वप्रथम ब्राजील में की गई थी। यह उष्णकटिबंधीय स्थानों पर इसकी अच्छी पैदावार होती है तथा गर्म और आर्द्र जलवायु जैसी जगहों पर इसकी पैदावार काफी अच्छी होती है। सामान्य तापमान वाली जगहों पर इसकी खेती को करना अच्छा माना जाता है। काजू की खेती को समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर करना चाहिए। फलों की पैदावार के लिए इसकी फसल को नमी या सर्दी से बचाना होता है। नमी और सर्दी की वजह से इसकी पैदावार प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त भी इसकी खेती को अच्छी देख रेख के साथ कई तरह की मिट्टियों में किया जा सकता है। काजू की फसल में अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। इसके पौधों को अच्छे से विकसित होने के लिए 600 से 4500 मिलीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। काजू की फसल में सामान्य से अधिक सर्दी तथा गर्मी होने पर पैदावार प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त सर्दियों में पड़ने वाला पाला भी इसकी फसल को नुकसान पहुंचाता है। आरंभ में इसके पौधों को 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद जब पौधों में फूल लगने लगते हैं तब इन्हें शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जब इसके फल पकने लगते हैं तब इन्हें 30 से 35 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। तापमान के अधिक होने पर फलों की गुणवत्ता में कमी तथा फलों के टूट जाने का खतरा बढ़ जाता है। काजू की फसल को तैयार होने में 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। काजू के पौधों में रोपाई के 3 साल बाद फूल लगना आरंभ होते हैं तथा फूल के 2 महीने बाद फल पककर तैयार हो जाते हैं। काजू के एक पौधे में एक वर्ष में लगभग 20 से 25 किलो तक के काजू प्राप्त होते हैं। सामान्य तौर पर काजू का पेड़ 13 से 14 मीटर तक बढ़ता है। हालांकि काजू की बौनी कल्टीवर प्रजाति जो 6 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है, जल्दी तैयार होने और ज्यादा उपज देने की वजह से बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। काजू एक प्रकार का फल होता है जो सूखे मेवे में शामिल होता है। काजू के पौष्टिक गुण इतने हैं कि आयुर्वेद में काजू को कई तरह की बीमारियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। काजू दांत दर्द से लेकर दस्त कमजोरी जैसे अनेक रोगों से राहत दिलाने में मदद करता है। आप प्रतिदिन 3 से 4 काजू खा सकते हैं। काजू का सेवन स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। काजू ऊर्जा का काफी अच्छा स्रोत होता है। काजू के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत रखने में उपयोगी है। वहीं काजू के अंदर सोडियम और कैल्शियम भी मौजूद होता है जो हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में उपयोगी है। ऐसे में आप काजू के सेवन से हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं या हड्डियों की समस्या से राहत पा सकते हैं। आगे हम देखेंगे सुबह खाली पेट काजू खाने के फायदे। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सुबह खाली पेट काजू का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि काजू में फाइबर मौजूद होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। साथ ही कब्ज की समस्या भी दूर होती है। काजू में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। इतना ही नहीं, काजू में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। काजू में विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है। काजू में प्रचुर मात्रा में कॉपर होता है, इसलिए इसे एनर्जी का भंडार करते हैं। जब आप काजू को भिगोकर खाते हैं तो वह आसानी से पेट में टूट जाता है और शरीर को पूरा पोषण प्राप्त होता है। काजू में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। काजू में ओलिक एसिड और पामिटिक एसिड होता है जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं होता है, इसलिए इसका सेवन करने से आप इनमें से अधिक फाइबर प्राप्त कर सकते हैं जो पाचन के लिए अच्छे होते हैं। भूखे पेट काजू खाकर शहद खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बच्चों को काजू का सेवन जरूर करना चाहिए।
अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो काजू को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। काजू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट हेल्दी फैट और कैलोरी वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनको काजू जरूर खाना चाहिए। इंसुलिन का लेवल बढ़ाता है काजू। डायबिटीज में स्ट्रेस कम करता है काजू। कम मात्रा में ज्यादा एनर्जी देते हैं काजू और हाइपरटेंशन की समस्या दूर करता है काजू। सब्जी की ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए काजू का इस्तेमाल खूब किया जाता है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में काजू का इस्तेमाल कई सब्जियों में भी किया जाता है। काजू से बनी बर्फी, काजू कतली और काजू रोल को ज्यादातर लोग बहुत पसंद करते हैं। स्वाद के साथ ही यह सूखा मेवा सेहत को स्वस्थ रखने में भी खूब उपयोगी है। आजकल लोग घर पर नमकीन और मसाला काजू बनाकर खाते हैं, यहाँ तक कि लोग चॉकलेट काजू भी बना रहे हैं। मार्केट में 1 किलो काजू कम से कम 700 से 1000 रुपए किलो मिलते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के लिए काजू को किसी बड़े किसान से व्यापारी से खरीदते हैं तो आपको ये कम से कम 400 से 600 रुपए किलो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस तरह आप 1 किलो में कम से कम 300 से 500 रुपए बहुत ही आसानी से कमा लेते हैं। भारत में केरल और महाराष्ट्र सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है, उनके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का स्थान है। वियतनाम दुनिया में काजू की बड़ी खेती और निर्यात करने वाला देश है। देशी और विदेशी बाजारों में काजू की बहुत अच्छी मांग है। ऐसा बताया गया है कि झारखंड के जामताड़ा जिले में काजू 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिकता है। जामताड़ा के नाला इलाके में करीब 49 एकड़ जमीन पर काजू के बागान है। बागान में काम करने वाले बच्चे और महिलाएं काजू को बेहद सस्ते दाम में बेच देते हैं। ज्यादातर काजू में पूरे फल की तोड़ाई नहीं की जाती है, केवल गिरे हुए नट को इकट्ठा किया जाता है और इसे धूप में सुखाकर तथा जूट के बोरों में भरकर ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है। प्रत्येक पौधे से लगभग 8 किलोग्राम नट प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर में लगभग 10-15 क्विंटल काजू में नट प्राप्त होते हैं। बाजार में आने से पहले काजू को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले उसको साफ किया जाता है, उसके बाद काजू को उसके छिलके से अलग करने के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसके छिलकों को अलग किया जाता है। इसी तरह से अन्य तरह के प्रोसेस होने के कारण काजू की कॉस्ट बढ़ जाती है। काजू को एक एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए, वे कमरे के तापमान पर खराब हो सकते हैं। फ्रिज में काजू 6 महीने तक रह सकते हैं और फ्रीजर में वे 1 साल तक रह सकते हैं। विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बड़ी संख्या में काजू से बचना चाहिए। काजू का अधिक सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। जिन्हें किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी की बीमारी है उन्हें काजू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें उच्च मात्रा में ऑक्सालेट पाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले कार्बनिक क्रिस्टल होते हैं और ये आपके शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व होने से रोकते हैं। तो दोस्तों, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।